छात्रावास अधीक्षक का टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज हम बिल्कुल एमसीक्यू करने वाले हैं टेस्ट के रूप में, ठीक है। अगर आप लोग हॉस्टल वार्ड आने की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा। रात 8:30 से लेकर 9:30 बजे के टाइम टू टाइम क्लास अपलोड की जाती है, ठीक है। पहला है आपका, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, कंप्यूटर आपका 50 नंबर का आएगा जिसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, WMV का विस्तार होता है, तो WMV का जो विस्तार होता है विंडो मीडिया वीडियो, जो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद है, तो जो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का है आपका आंसर सी होगा, SMBLR, ठीक है। उसी प्रकार MS वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खुलता है, तो देखिए कौन सा बटन है जो ऐसे दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खुलता है, तो आपका F5 हो जाएगा, कौन सा होगा F5, आपका आंसर डी होगा, ठीक है। टोटल आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे छात्रावास अधीक्षक का। अगर आप लोग तैयारी करना ही चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके रख लीजिएगा, ठीक है। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर कोड होता है, क्या होता है कंप्यूटर कोड, आपके आंसर सी होगा, ठीक है। कंप्यूटर वायरस होता है आपका कंप्यूटर कोड। चलिए आप लोग टिक लगाते जाइएगा क्या होगा, है ना। तो निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो देखिए जो निम्न में से कौन सा है जो परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो आप बताएंगे परम क्रांति, जबकि अगर है पूछता तो आप बताएं परम युवा और परम 8000, ठीक है। बीट्स का तात्पर्य होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी या आंसर डी। तो बीट्स का तात्पर्य होता है बाइनरी डिजिट, तो आपका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सा हिंदी वायरस है, कमेंट करते जाइएगा ना, कौन सा है जो हिंदी वायरस, देखिए वायरस के बारे में बात करें तो वायरस आपका होता है एवस्त, मैकफी, क्विकहिल, नॉर्थन, एवस्त और बहुत सारे हैं जो वायरस हैं, तो आपके आंसर में एवस्त दिया है, AVG दिया है, नॉर्थन दिया है, ठीक है। यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि डी होगा, ठीक है, आपका हिंदी वायरस। अगर देखिए बहुत सारा है तो इसमें एक दो और टॉपिक नोट कर लीजिएगा कॉपी में, एवस्त मैं बता चुका हूँ, AVV भी बता चुका हूँ, नॉर्थन भी बता चुका हूँ, उसके बाद है मैकफी, उसके बाद है क्विक हिल, उसके बाद है नॉर्थन और HD वायरस, ठीक है। अब देखेंगे निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिकिंग हेतु लाया जाता है, तो ये जो कौन सा प्रिंटर है पूछा गया एग्ज़ाम में, तो ये आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु लाया जाता है, तो आपका हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा लेजर प्रिंटर। 3D प्रिंटिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया है, जो 3D प्रिंटिंग है उसका आविष्कार किसने किया है, तो आपका आंसर डी होगा, चार्ल्स हुल ने। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग हॉस्टल वार्ड आने की तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास पहला है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, टेस्ट के रूप में रिवाइज करके जाइएगा, क्या पता आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीक यानी कि एबेक्स ग्रीक्स से क्या प्राप्त होता है, तो आप सभी को मालूम है एबेक्स और जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पर आंसर नहीं दिया हूँ कि क्या आएगा, ठीक है, ये डी होगा, सी होगा, ए होगा, बी होगा, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट, स्पूफ, स्टेज या स्टोर, कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं तो डेली क्लास चलेगा, ठीक है। मैं आप सभी को पहले ही क्लास में बताया था कि 18 मार्च से प्रारंभ हुआ है हॉस्टल वार्डन की क्लास, यह आपका कंप्यूटर का पहला क्लास है, ठीक है। सर्च इंजन से प्राप्त करते हैं, तो सर्च इंजन से आप वीडियो प्राप्त करते हैं, इमेज देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्राप्त करते हैं, सर्च इंजन यानी कि गूगल, गूगल से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए SEO का होता क्या है, जो SEO है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका आंसर सी
हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलिए ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 GB से अधिक डाटा का भंडारण कर सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका ए, ब्लू रे डिस्क, जो आपका 25 GB से अधिक भंडारण कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो लंबी, यानी कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो 0 और 1 की लंबी श्रेणी में बनाया गया है, इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इस प्रोग्राम को हम मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। आपका आंसर ए होगा, कौन सा है? मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें, अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो या करना चाहते हैं तो। ठीक है, देखिए कौन सा है जो स्टोरेज मीडिया यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस यानी कि प्रदान करता है, सूचित अनुक्रम अधिगम, फ्लॉपी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टेप या ब्लू रे डिस्क? फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल, आंसर सही है। देखिए जितने लोगों का आंसर सी आया है, मैग्नेटिक टेप, बिल्कुल आंसर सही होगा। ठीक है, क्विक टाइम फॉर्मेट खालिस्तान के द्वारा विकसित किया जाता है। जो क्विक टाइम फॉर्मेट होता है आपका एप्पल, ठीक है, एप्पल मतलब सेव, ये वाला नहीं है क्विक टाइम फॉर्मेट, ये एप्पल कंप्यूटर का जो विकसित किया गया है, ये आपका है आंसर सी। इसका आप लोग बताइएगा कि निम्न में से कौन सा जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है पूछा है, तो आपका हो जाएगा हैकू। ठीक है, हैकू एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप लोग सभी को मालूम ही होगा कि ये कंप्यूटर पर गेम खेलना सबसे आसान बनाता है। ठीक है, इतना सरल सवाल आया है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ टोटल आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर का, जिसमें 25 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। अगर आप लोग 25 नंबर ला लेते हैं तो आपका OMR सीट चेक किया जाएगा, अन्यथा आप गणित में, हिंदी में, अंग्रेजी में, सामान्य ज्ञान में, आप कोई भी पूरा नंबर क्यों नहीं ला लो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब आप कंप्यूटर में पास हो जाएंगे तो आपका पेपर चेक किया जाएगा। बिल्कुल, अगर आप लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, इसका आंसर क्या है? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या कोई नहीं? तो देखिए 99% आंसर आया है जॉयस्टिक, आंसर सी, वेरी गुड। चलिए आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो इंकजेट में प्रिंटर में मूल रंगों का कार्टिजों की संख्या होती है आपका 4 होता है, कार्टिजों की संख्या 4 होता है, तो आपके आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट करें, इसका आंसर क्या होगा। देखिए निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला, डिलीट फाइल को रिसाइकिल बिन में रिस्टोर हो सकती है, बिल्कुल गलत। फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिस्क फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है, बिल्कुल सही, ये आपका पहला गलत हो जाएगा। सी कहता है कि किसी टेस्ट को डिलीट हुआ और एक पेसेज रिस्टोर कर, ये गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, तो इसका आंसर आपका बी होगा। ठीक है, जो कि भेजने पर डिस्क में स्टोर कर सकता है। फॉर का मतलब होता है, देखिए फॉर का मतलब होता है आपका नए काम का बनना, यानी कि नई प्रक्रिया का बनना, आपका आंसर सी होगा ना कि बी। ठीक है, जितने लोग आंसर सी दिए हैं बिल्कुल सही है। बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर होता है, एग्जाम में हर बार पूछता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है किस पन्ने पर होता है, तो हेडर या फुटर या प्रिंटेड रहता है, तो हर पन्ने पर रहता है, प्रत्येक पन्ने पर। एग्ज़ाम में अगर कभी भी प्रत्येक पन्ने पर दिया रहेगा तो आप प्रत्येक लगाइएगा, या फिर अन्यथा ये नहीं दिया है तो हर पन्ने पर दिया रहेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका हर पन्ने पर होता है। स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, स्लाइड शो
आप सभी को मालूम है स्लाइड शो F5। और आप लोग सभी के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा F1 किसके लिए होता है, F2 किसके लिए होता है और F4 किसके लिए होता है। ठीक है, डेली मैं आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा एक महीना। अगर आप लोग 30 दिन कर लेते हैं 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 150 यानी कि 1500 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 1500। ठीक है, 1500 क्वेश्चन आपका हो जाएगा तैयारी। अगर कर लेते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेस ईमेल का बत्तख का भाग नहीं होता है। ठीक है, अब याहू गूगल और एमएसएन क्या है, एक याहू गूगल और एमएसएन एक क्या है, इंटरनेट साइट है। इंटरनेट साइट जीमेल द्वारा भेजे जाने वाली एक फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए, जीमेल में पूछा गया, तो जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता आपका 25 MB। कितना, 25 MB। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना रिस्टोर करना, डिलीट करने के लिए कौन सा बता देते हैं। देखिए, कितने लोगों का आंसर आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए दबाते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। आपका आंसर बी होगा, ना कि सी। ठीक है, MPG किस प्रकार के फाइलों को एक्सटेंशन करता है, MPG क्या होता है, ये MPG क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोगों का आंसर सी आया है बिल्कुल सही है। MPG एक वीडियो है। CD-ROM होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। तो आपका आंसर ए होगा, यस, इसमें क्या कोई नहीं है, है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। DVD का होता क्या है, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, डिजिटल वीडियो डिस्क, आंसर सी। खोज ईंधन बैदू कहाँ से प्राप्त होता है, बैदू आप सभी को मालूम है, जो बैदू है आपका चीन से प्राप्त होता है, तो आंसर दिया होगा कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर दिया है आंसर डी में। EDP क्या है, EDP का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कहाँ पर दिया गया, जल्दी से कमेंट बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहाँ दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग आपका आंसर सी। अब गीगो का शब्द शुद्धता है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला गीगो का फुल फॉर्म होता है शुद्धता, है ना, शुद्धता होगा आपका, किससे संबंध है, लेजर प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर क्या होता है, एक पेज प्रिंटर होता है। देखिए, जैसे कि ये बाय डिफॉल्ट एक पन्ना होता है, इसी प्रकार लेजर प्रिंटर होता है जो पेज प्रिंटर होता है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनें के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो देखिए ये OMR शीट होता है, आपका एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर वही होता है। और ये बार कोड है आपका लाइन पैटर्न, यानी कि इस तरह आपका होगा बार कोड जो किसी उत्पाद के प्रिंटेड लाइनों पर छपे होते हैं, तो आंसर बी। वेब कॉलर को क्या कहा जाता है, वेब कॉलर को वेब स्पाइड कहा जाता है, बेकूफ आंसर सी होगा, वेब कॉलर को वेब स्पाइडर कहा जाता है। चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन को क्या कहते हैं, देखिए ये आपको पूछा गया चीन में, तो बैदू लगाएंगे। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है, तो आप सभी को मालूम होगा डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, और कल हम क्लास में देखेंगे पूरा प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे गए, प्रिंटर से, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन प्रिंटर, सभी प्रिंटर देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं।
ठीक है। कल देखेंगे कल के क्लास में प्रिंटर से क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर का प्रिंटर से हमेशा आता है, और सबसे ज़्यादा याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एग्ज़ाम में हर बार आता है। मैं कल के क्लास में आपको कराऊंगा। चलिए इसका बताइए कि स्पेलिंग चेक करने के लिए आप सबको मालूम है F7, तो F5 क्या है? तो F5 आपका स्लाइड शो देखने के लिए है, और ये आप F3 क्या है कमेंट करके बताइएगा। किसी व्यक्ति की पहचान की हेरा फेरी कर, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है उसके पहचान के हेरा फेरी कर, किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना फिशिंग स्कैम कहलाता है, आंसर सी होगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस किस प्रकार का मत देखे, अब मैं आपको कल ही बताऊंगा जो वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन देखेंगे कल हम, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन देखेंगे। इतना जो क्वेश्चन आप पढ़ लिया समझो आपको 5 से 6 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। क्या आएगा जल्दी से कमेंट कर। अरे देखिए, जब इनपुट और आउटपुट होता है आपको पोर्ट्स से होता है, पोर्ट्स के माध्यम से। ये बताइएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप GPEG का फुल फॉर्म होता है इमेज। एक्सेल शीट की पंक्ति यानी रो को छुपाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की, रो को छुपाने के लिए Ctrl+F9, ना कि Ctrl+9 ना। देखिए एक्सेल पूछा जाए तो आप F9 जरूर डालिएगा, और पंक्ति पूछा जाए तो क्या डालिए, कंट्रोल। यह यूनिक्स के जैसा मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आएगा, क्रोम OS, लिनक्स मिन, ट्रू OS या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है, जो तारतम्य हो, तारतम्य का मतलब होता है एक फ्रेम जो आपका इस तरह का होता है ना, ये आपका बटन दिया रहेगा, जो फ्रेम रहता है ये बॉक्स का एक फ्रेम बना रहता है, ठीक है, यहाँ पर। तो जो तारतम्य होता है इस प्रकार, ठीक है, वो आपका फ्रेम से बना होता है। फ्रेम का मतलब होता है दर्पण, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, जो एक वीडियो में मान लीजिएगा हम एक मोबाइल पकड़ते हैं, ठीक है, इस तरह का यहाँ पर बटन दिया रहता है, ठीक। और यह पूछा गया वीडियो के तारतम्य यानी कि ये छोटा छोटा जो पोर्स रहता है वहाँ से जो बना रहता है आपका फ्रेम का बना रहता है, ठीक है, जो आप इस प्रकार यूज करते हो फ्रेम। निम्न में से अलग कौन है, अलग मतलब होता है देखिए CD/DVD, फ्लॉपी डिस्क, HD डिस्क, के तीनों बिल्कुल एक ही है, जबकि BIOS अलग है। क्या है अलग, एक्सेल शीट की पूरी कॉलम यानी चयन करने के लिए कौन सा आवश्यक है, ये आप सभी को मालूम है Ctrl+Space bar। ये निम्न में से किसका सबसे तेज एक्सेस टाइम होता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी का, बिल्कुल सही है, सेमीकंडक्टर आएगा। चलिए आप देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है ना, उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट टू डिवाइस को उपयोग किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें बच्चों, अगर आप लोग हॉस्टल वाले की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छी वीडियो पर आए हैं, है ना। इसका आंसर प्लॉटर होगा, प्लॉटर, जो कि CAD सिस्टम को ड्राइंग कर ग्राफ प्रिंट में उपयोग किया जाता है, प्लॉटर में, ठीक है ना। तो आप लोग कौन सी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, ईमेल छोड़ दीजिएगा, वेबसाइट भी छोड़ दीजिएगा, सिर्फ अपना नाम बताइएगा, और यहाँ पर लिखिएगा कि आप लोग हॉस्टल वाटरने की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और एक मिनट ना, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप कमेंट करके लिखिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल वाटरने की या फिर SI भर्ती की या फिर ADO का, है ना। ये तीनों एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराया जा रहा है, आप नाम बताइएगा, यहाँ पर नाम लिखिएगा आपका नाम क्या है और किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबसे ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। कल के क्लास में आपको क्या क्या कराना है, पहले तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं। हॉस्टल वार्डन की तो ये आपका 18 मार्च से प्रारंभ किया गया है,
एडियो की करना चाहते हैं तो ये आप 1 मार्च से प्रारंभ किया गया है, प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है लिंक, बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट है। अगर वो वैकेंसी नहीं देखा है, तैयारी नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे ज़रूरी है। अब एसआई की बात करें तो मेंस का ये तो बहुत दिनों से क्लास चल रहा है, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर, और अपना नाम यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिख दीजिएगा, या फिर अपना नाम पूरा लिखिएगा, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा कमेंट में, तैयारी कौन सी एग्ज़ाम की करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, या फिर एसआई, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और डेली क्लास करना चाहते हैं तो मैं टाइम की बात करता हूँ, तो टाइम आपका रहेगा 8:30 से 9:30। ये रिकॉर्डेड क्लास जो रहती है बिल्कुल सही टाइम पर अपलोड की जाती है, डेली क्लास करते रहिएगा, है ना। मैं 80% गारंटी देता हूँ, 70 क्यों दूंगा, 80% गारंटी देता हूँ कि ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कल हम देखेंगे, कल के क्लास में ये आज जो हुआ है पहला वीडियो था, कल देखेंगे सेकंड वीडियो, जिसमें आपका रहेगा प्रिंटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, आउटपुट, इनपुट, ये सभी क्लासेस कल होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डेली क्लास करते रहिएगा बच्चों, ओके, थैंक।